दोस्तों, आप सभी लोग मेथी दाना यानी कि फेनिग्रिक सीड्स के बारे में नो डाउट अच्छी तरह से जानते होंगे। मेथी दाने के फायदे काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे भी होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मेथी भयंकर रोगों को खत्म करने में बहुत ही इफेक्टिव औषधि है। आयुर्वेद के नजरिए से इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जिसे बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन आज मैं मेथी दाने के तीन तरह के प्रयोग बताऊंगा। मेथी में कुछ ऐसी खास क्वालिटी होता है जो आपके वजन को कम कर सकते हैं, झड़ते हुए गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं, साथ ही इसके इस्तेमाल से ग्लोइंग स्किन भी आप पा सकते हैं। पर इसके लिए आपको मेथी दाने को सही तरीके से इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीका जानना होगा, जिससे आप मेथी का पूरा फायदा उठा सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बालों को जल्दी लंबे घने बनाने के लिए, स्किन को बेदाग ग्लोइंग बनाने के लिए और वजन को तेजी से घटाने के लिए मेथी दाने का किस तरह से उपयोग करना है। सबसे पहले जानते हैं वजन को कम करने के लिए करना क्या है। इसके लिए आपको एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी दाने डालकर उसे किसी चीज से ढक लें और उसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इंक्रीज करता है, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होता है और जिससे काफी जल्दी वेट लॉस होता है। मेथी खाने से दोस्तों भूख यानी कि खाने की इच्छा कम हो जाता है, जिससे हम बेकार की कैलोरी बॉडी के अंदर इंक्रीज करने से बच जाते हैं। तो करना क्या है, सुबह जब आप देखेंगे मेथी दाना फूल चुका होगा, मेथी के सारे गुण इस पानी में आ चुका है। अब इस ड्रिंक को छान लीजिए और इसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए, साथ में आप इसमें एक चम्मच शहद और थोड़ी सी मात्रा में काला नमक ऐड कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद यहाँ पर नहीं लेना है, बगैर शहद का लीजिएगा। रोज सुबह खाली पेट आपको इस ड्रिंक को पीना है और ऐसा आप रेगुलर करें, आप देखेंगे कि एक महीने के इस्तेमाल से ही आपका वजन 4 से 5 किलो तक कम होता हुआ दिखेगा। गर्मी के मौसम में भी इस तरह आप मेथी का पानी पी सकते हो। मेथी दानों को यहाँ पर खाना नहीं है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और इस गर्मी के मौसम में बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जिन लोगों को एसिडिटी या फिर गैस की समस्या है, उनके लिए मेथी का पानी रामबाण इलाज है। तो बचे हुए मेथी का यूज आप बालों या फिर स्किन के लिए भी कर सकते हैं। आइए अगला यूज बालों के लिए कैसे करना है देखते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप 2 चम्मच मेथी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। रात भर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे कि मेथी दाना फूल चुका होगा और उसका कलर पानी में आ गया है। अब इस मेथी को मिक्सी की सहायता से इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को बाउल में लेकर इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पेस्ट को लेकर बालों के स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और इसे ऐसे ही 40 मिनट तक के लिए रहने दीजिए और 40 मिनट के बाद किसी हर्बल शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए। सही रिजल्ट पाने के लिए आप इस नुस्खे को हफ्ते में एक बार जरूर करें। यह नुस्खा अपनाने के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि बालों के गिरने की जो समस्या है वो कम होने लगेगी। मेथी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है जो गंजेपन को खत्म करके नए बालों की रीग्रोथ करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम समय से पहले बालों को सफेद होने से भी बचाता है और मेथी में मौजूद लेसिथिन बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है। अब तीसरा प्रयोग जानते हैं जो है त्वचा के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चम्मच मेथी को थोड़े से पानी में भिगोकर रात भर के लिए रखना है और सुबह भीगा हुआ मेथी को पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है और फिर एक बाउल में 2 चम्मच मेथी का पेस्ट लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच कर्ड यानी कि, इसके अलावा इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच हनी और साथ में डाल दीजिए 1/2 चम्मच नींबू का रस। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप नींबू को स्किप भी कर सकते हैं और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब इस फेस पैक को लेकर फेस पर अप्लाई कीजिए और इसे ऐसे ही 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दीजिए। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। ऐसा आपको वीक में 2 बार करना है। आपका स्किन निखर जाएगा, स्किन से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेथी के बीज किल मुहासों को दूर करने के साथ साथ स्किन की डेड सेल्स को निकालने में हेल्प करते हैं। ये आपके स्किन को पोषण देते हैं और लंबे समय तक जवां बनाए रखते हैं। इस तरह वीक में आप 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये है मेथी के 3 प्रयोग। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, नुस्खा कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स कर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।